आपका है सफाई के लिए दरख्वास्त बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब, कौमा ज़िला कौमा अलिफ बे जीम। जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में खाक रोबों ने आना छोड़ दिया है। खाक रोब किसे कहते हैं? जो सफाई करने के लिए, झाड़ू देने के लिए आते हैं, कूड़ा उठाने के लिए। गलियों में कूड़े, गलाजत और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बदबू ने जीना महाल कर दिया है। जाहिर है, जब कूड़ा ज़्यादा मकदार में होगा तो उसकी स्मेल से जीना महाल हो जाता है। महाल मतलब मुश्किल हो गया है। मक्खियाँ और मच्छर परवरिश पाकर बीमारियाँ फैला रहे हैं। निकासी आब का निज़ाम ख़राब हो चुका है। निकासी आब यानी ड्रेनेज सिस्टम। गलियाँ और सड़कें तालाबों और जोहड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। स्कूल, दफ्तर और मस्जिद जाते वक्त शदीद मुश्किल का सामना होता है। कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आगे जो लाइंस मैंने कट की हैं, आप भी कट कर लीजिए इसको देखते हुए। कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद मौसम में बरसात की आमद आमद है। बारिश के बायस, इतना को काट के ऊपर मज़ीद लिख लीजिए, बारिशों के बायस मज़ीद पानी जमा हो जाएगा और हमारा जीना महाल हो जाएगा, ये ऊपर लिख लीजिए। हमारी गुजारिश है कि महकमा सफाई के अमले को तब्दील किया जाए, ज़िम्मेदार अमला तायनात किया जाए। तायनात का मतलब मुकर्रर किया जाए। अगर हमारी शिकायत का जल्द अजाला ना किया गया तो हम वज़ीर आला शिकायत सेल से राबता करने पर मजबूर होंगे। यहाँ पर आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी और दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला अलिफ बे जीम। ठीक, जो कटिंग मैंने की है इसको काट के इसके मुताबिक ही आप इसको याद करेंगे। ठीक है, ओके।